हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब न्यू चैनल मीता खेड़ा। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हेयर्स के अकॉर्डिंग वीडियोस। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे मैं अभी शावर लेकर आई हूँ, बाल धो के आई हूँ और शैम्पू करके आई हूँ। देख रहे हो ना आप लोगों को गीले हेयर दिख रहे हैं मेरे। तो मैं आज हेयर के ऊपर लेके आई हूँ कि हेयर स्ट्रेट ट्रीटमेंट हम घर पर ही और बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, स्मूथ और स्ट्रेट हेयर कैसे पा सकते हैं। अगर हमें इमीडिएटली जाना है किसी फंक्शन में, पार्टी में, और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हेयर बंद बना सकें, कोई स्टाइलिश सा जूड़ा बना सकें या कुछ कर सकें, तो हम ओनली स्ट्रेट हेयर के चक्कर भी जा सकते हैं। तो हम स्ट्रेटमेंट और स्मूथनिंग कैसे लेकर आएंगे अपने बालों में, आज इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक, कुछ नुक्से शेयर करने वाली हूँ। और गैस, ये अभी भी वॉइस जो आ रही है हमारी वीडियोस में, हमें डिस्टर्ब कर रही है बैक से, वो सामने वाले घर टूट रहे हैं गली में, उसी की है। तो प्लीज उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना और उसको थोड़ा इग्नोर मारना, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी शॉप पर ही बैठकर वीडियो शूट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे शॉप खोलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को भी मालूम है आई एम वेरी बिजी पर्सन, बट लेकिन फिर भी मेरे को वीडियोज करने का शौक है, तो मैं हर चीज आपके साथ डिस्कस करती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियोस कर रही हूँ। ठीक है, तो गाइस, जैसे कि मैं अपने हेयर के लिए मैं बताऊँ तो मैं क्या क्या यूज करती हूँ वो आपको डेली बताती हूँ। डेली नहीं कह सकती, बट शैम्पू तो मैं यही यूज करती हूँ, जो भी वीकली 2-3 डेज हेयर वॉश करती हूँ। तो बी टेक का ये शैम्पू है, आप देख सकते हैं, एलोवेरा शैम्पू है बी टेक का, और बहुत अच्छा। इसी में ही आपको कंडीशनर मिलेगा, और यही शैम्पू भी और कंडीशनर दोनों वर्क ये करेगा, 2-in-1 है ये, आप देख सकते हैं, वो जूम करके आप इसको रीड कर सकते हैं। और ये भी बहुत अफोर्डेबल है, मतलब आप लोग खरीद सकते हैं, फ्रेश डेली प्रूफिंग शैम्पू कंडीशनर, इसी में ही है कंडीशनर भी। ये मैं अपनी बेटी के लिए भी यूज करती हूँ, पिंगू भी इसी को यूज करती है और मैं भी इसको ही यूज करती हूँ। जो भी हम हफ्ते में 2 या 3 बार हेयर वॉश करते हैं वो इसी के साथ करते हैं। और ये आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगा 150 रुपीज का, और ये हम दोनों यूज करते हैं तो हमारा ये 1 मंथ तो निकल ही जाता है, बिल्कुल जरा सा लगता है हेयर वॉश करने के लिए, और बहुत अच्छे हेयर हो जाते हैं। मैं अभी इसी से ही वॉश करके आई हूँ, और इसकी फ्रेग्रेंस भी इतनी मस्त है, जब हेयर वॉश करते हो तो पूरा घर महकने लग जाता है, देखिए। ठीक है, और सेकंड स्टेप, ये वॉश करने के बाद फिर मैं यूज करती हूँ ये सीरम स्टिक का, ये भी काफी रिजनेबल रेट पर है और ये स्मूथ कर देता है, एकदम शाइनी हेयर कर देता है। पीहू के लिए भी मैं ये यूज करती हूँ, कोई ऑयल वगैरह यूज नहीं करती, जो भी है गर्ल्स पैक कुछ भी नहीं है, सब ओरिजिनल चीज है, और कैमरा भी ओरिजिनल है, नो फिल्टर यूज। ओके डियर, ये देखिए ये स्टिक का है, ये भी काफी रिजनेबल रेट पर है, ये आपको 100 पीस का मिल जाएगा मार्केट में, उससे भी कम ही प्राइस में मिलेगा, बट मैं पार्लर का स्टॉक मंगाती हूँ तो डीलर से थोड़ा मुझे और डिस्काउंट मिल जाता है, तो मैं इकट्ठा ही सारा कॉस्मेटिक मंगा लेती हूँ, बट आप लोग लोगे तो शायद 100 तक आपको मिलेगा, कहीं भी कॉस्मेटिक से आपको परचेज करना हो कर सकते हैं। हाँ, मैं 15 डेज में या 1 मंथ में एक ये करती हूँ हेयर स्पा, ये ओरिफ्लेम का है आप देख सकते हैं, बट ये भी एलोवेरा है, मुझे एलोवेरा बहुत पसंद है, फेस के लिए भी एलोवेरा पसंद है और हेयर के लिए भी, मतलब मैं एलोवेरा बहुत ज्यादा यूज करती हूँ हर चीज में। तो ये देख सकते हैं, ये ओरिफ्लेम का हेयर स्पा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको आज ये बताती हूँ, ये मंथ में 2 टाइम्स आप इसको यूज कर सकते हैं, और कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, हमने गीले बालों में ही इसको यूज करना है, कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको, जैसे लेके थोड़ा थोड़ा इसको एप्लीकेट करो अच्छे से, इसकी फ्रेग्रेंस भी यार बहुत तेज है, आप यूज करोगे तो आपको कुछ पता चलेगा, और आपको 1 टाइम ही यूज करोगे ना आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शैम्पू आप यूज करोगे आपको तभी इतना अच्छा लगेगा, बस आप मुझे कमेंट में जरूर बताना जो जो यूज करेगा ये बीटेक का शैम्पू, और अगर कोई करता भी होगा तो उसको तो मालूम ही होगा इसका रिजल्ट,
कैसा है, बट मैं तो यही यूज करती हूँ और यही रिक्वायर्ड करती हूँ। मैं आगे कस्टमर को भी, अपने क्लाइंट्स को भी यही बताती हूँ। ये देखिए हमें क्या करना है, ये टू फिंगर से एप्लीकेशन करनी है फास्ट फास्ट, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो थंब से। ये रूट में भी टच हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है डियर। ऐसे ही सेम दूसरी साइड भी हमें करना है। ये देखिए ये नीचे की साइड थोड़ा आप ज्यादा लगा दीजिए, क्योंकि ये हमारे ज्यादा ही वो रफिड हेयर होते हैं। ये गीले बालों में ही यूज करना है, ओके डियर। अगर बॉयज ये वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को आगे रिकमेंड कर सकते हैं, ओके बता सकते हैं। ये भी आपको इजिली मिल जाता है ओरिफ्लेम का हेयर स्पा। तो देखिए मेरी एक, हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने सारे बालों पे लगा लिया है बहुत अच्छे से और जूड़ा बना लिया है। अब हम इसको स्टीम कैसे देंगे, हमारे पास अगर स्टीमर नहीं है गाइस गर्ल्स तो फिर हम एक टॉवल को गर्म कर लेंगे अच्छे से इसको, ठीक है। तो इससे अपने हेयर को हम ऐसे करके रैप कर लेंगे एकदम गर्म टॉवल से, ठीक है। इस तरीके से सारा, ठीक है। आज भी मैं ना टॉवल यूज नहीं करती, मैं घर में कोई भी कॉटन का कपड़ा होता है या फिर कुछ दुपट्टा होता है तो मैं उसी को ही यूज करती हूँ गाइस। तो और देखो इसको गर्म करके रख लो और जैसे ही आपको लगे थोड़ा ठंडा हो रहा है तो ड्रायर को हीट पे करो और ऐसे ऐसे स्टीम लेनी स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आप स्टीम दे सकते हो 10 to 15 minutes के लिए, आपको ऐसी ही स्टीम देनी है हेयर को। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करके और हेयर वॉश करने हैं, कंडीशनर करने हैं। तो उसके बाद हमें ये सीरम यूज करना है और फिर देखना, मैं आपको सब एक एक करके दिखाती हूँ। बट अभी थोड़ा सा ये कर लो अच्छे से स्टीम देके। ठीक है, हमें ये स्टेप करने हैं। हेलो गाइस, तो देखो अब हमारा लास्ट और थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप कि हम हेयर वॉश करके आ चुके हैं। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ हो जाते हैं हेयर, हेयर स्पा करने से और स्टीम देने से। ये देखिए अभी मैंने सिर्फ यूज किया है ये सीरम गीले बालों पे, जो मैंने आपको दिखाया था स्प्रिट का ये सीरम अभी मैंने यूज किया है, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हेयर वॉश करना है बीटेक के शैम्पू से स्मूथनिंग कंडीशनर के साथ, ओके। सेकंड स्टेप है हमारा हेयर स्पा, थर्ड स्टेप है हमारा सीरम, सॉरी हाँ। तो गाइस ये देखिए हम डन माई वर्क फिनिश, बहुत ही अच्छे हेयर हो जाते हैं। जिस दिन हेयर स्पा करते हैं उस दिन तो लगता है कि बालों में से हाथ ही मत निकालो, बस ऐसे लगता है कि बाल छूते रहो छूते रहो छूते रहो। बहुत स्मूथ और बहुत ही लवली हेयर हो जाते हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये स्पा जिस दिन करते हैं हेयर स्पा। एंड और सीरम वगैरह तो हमारा डेली का होता है, जब हम हेयर वॉश करते हैं तो ही सीरम यूज करना है और इससे शैम्पू से सर धोना है। तो आप ये प्रोडक्ट यूज करके देखना डियर, ओनली आप शैम्पू वन टाइम यूज करके देखो, आपको रिजल्ट नजर आएगा परमानेंट पक्का, ट्रस्ट मी। और ये सीरम यूज करके देखो, आपको ट्रस्ट मी रिजल्ट नजर आएगा स्मूथनिंग हेयर का। तो वीडियोज अच्छी लगी आपको तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और सपोर्ट करो गाइस, हम न्यू यूट्यूबर हैं तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो।
और प्लीज जो भी मैं हम दिखाती हैं आपको फेक कुछ भी नहीं है, जो हम यूज करते हैं सिर्फ आपको वही चीजें दिखाते हैं, कोई ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, अफोर्डेबल है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही रीजनेबल है। तो ये हमारा घरेलू नुस्खा भी था और ये हमारे पास प्रोडक्ट थे भी। ओके, और ये हर घर में होते हैं, हम शैम्पू तो यूज करते ही हैं और सीरम भी यूज करते हैं, तो हम उसे छोड़ के एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। बीटेक के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, ट्रस्ट मी, आप यूज करके देख सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं इसका फेस वॉश आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही अच्छा फेस वॉश है जो मैं यूज करती हूँ, और मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। जिस जिसको चाहिए वो वाला वीडियोस तो मुझे कमेंट में जरूर बताना या कौन सा मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, और हेयर रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो लव यू।